So, hello everyone. My name is Dr. Shubham Jain, and I am currently preparing for FMGE exam 2023 January. 1 महीना बच रहा है हमारे एग्जाम के लिए, और होपफुली मेरे ख्याल से सभी लोगों ने बहुत अब तक मेहनत करी है पिछले 5 महीने से, जब से हम लोग हमारे रिस्पेक्टिव कंट्रीज से, जहाँ से हमने MBBS करी है वहाँ से आए हैं, तब से सब लोग मेहनत कर रहे हैं यार। मैं इतना देखता हूँ, मैं 5 या 6 लोगों से बात करता हूँ, सारे बहुत बढ़िया दोस्त हैं मेरे, और जिन भी लोगों से मैं बात करता हूँ ना, सबका प्रिपरेशन लेवल है ना अलग-अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं। किसी को क्या सूट करता है, किसी को क्या सूट करता है, कोई प्रेप लेटर से पढ़ रहा है, कोई मैरो से पढ़ रहा है, कोई NLC कोचिंग से पढ़ रहा है, कोई किसी कोचिंग से नहीं पढ़ रहा, सेल्फ स्टडी कर रहा है, रीडिंग स्किल्स पे फोकस कर रहा है, कोई यूट्यूब लेसन्स देख रहा है, लाइव लेसन्स पे कोई भरोसा कर रहा है। बहुत बढ़िया है यार ये सब। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पे अगर हम भरोसा करें तो शायद बहुत आसानी से ये एग्ज़ाम हम क्लियर करेंगे। होपफुली अगर भगवान ने चाहा तो हम सब ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। हम सब के सब, हम सब ने बहुत मेहनत करी है यार। हम लोग है ना पिछले 5 साल से ना केवल एक सपना लिए घूम रहे हैं कि यार हम लोग इंडिया में आए और पेशेंट देखें। यही तो सपना है ना यार, अल्टीमेटली सबका गोल एक ही तो है ना यार, कि हमें पेशेंट देखना है, हमें मरीज देखना है, सबका इलाज करना है। हजारों लाखों और करोड़ों लोगों का इलाज करने का सपना है ना हमारा। हमने NEET UG का एग्ज़ाम दिया था, हम उसमें रह गए यार। 20 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे उस टाइम पे, 10 लाख बच्चे पेपर देते थे, नहीं हो पाया यार हमसे, नहीं हो पाया। मगर हमके सपना देखने छोड़ दे क्या यार, नहीं कर पाए हम NEET UG। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ आगे नहीं कर सकते हमारी लाइफ में, बिल्कुल कर सकते हैं यार। मैं तो हमेशा बिल्कुल ऐसे ही पॉजिटिव ही सोच के आगे चलता हूँ, लेकिन स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है यार मेरे ख्याल से तो। क्योंकि अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें ना, तो जहाँ से भी आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया आप पढ़ रहे हो, लेकिन इसके अंदर है ना 3 से 4 घंटे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना रोज, मैं भी इंक्लूडिंग मी, ये मैं उसे कैमरा में बोल के पहले तो अपने आप को ही सहारा वो दे रहा हूँ कि हाँ यार मुझे भी करने हैं 3 से 4 घंटे सवाल प्रैक्टिस करना है, इसके बिना नहीं होगा भाई, 3 से 4 घंटे सवाल प्रैक्टिस करना है। लेकिन सवाल प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना, उसमें भी दो बातें आ जाती है। एक तो आप सवाल निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल एक नीमो पेरिटोनियम करके बीमारी है, उसमें आपने चेस्ट एक्सरे देखा, उसके अंदर आपने सवाल में पढ़ा ओ माय गॉड इट्स अ सर्जिकल इमरजेंसी, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए यार उस टाइम पे कि यार ये तो सर्जिकल इमरजेंसी है, मुझे इसका ट्रीटमेंट करना है। ऐसे ही आपने है ना, आपने देखा टेंशन नीमोथोरिक्स का पेशेंट, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप है ना, अब उसके अंदर आपको तुरंत दिमाग में आ गया अरे यार तो सेफ्टी फिफ्थ हमें सेफ्टी ट्रायंगल के अंदर इसमें ना इंसर्ट करना है वो, तो उसके अंदर इस डर घबराहट होती है क्या यार आपके? क्योंकि मेरे तो होती है भाई, मैं जैसे ही टेस्टिकुलर टॉर्शन का क्वेश्चन देखता हूँ ना, तो मेरे तो बहुत डर लगने लग जाता है कि यार एक पेशेंट है 20 से 22 साल का, जिसकी पूरी सेक्शुअल लाइफ खराब होने वाली है अगर उसको सर्जिकल डिपार्टमेंट में नहीं भेजा गया तो। तो ये चीज़ें होती है यार, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना तो उसको लगाया करो कि मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, मैं OPD में देख रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये मैं मरीज सॉल्व कर रहा हूँ, 24-year-old पेशेंट कम्स विद एन इमरजेंसी, ओ माई गॉड रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए भाई ऐसे टाइम पे। तो अगर ये होता है तो भगवान भी देखना आपकी मदद करेगा कि अपन क्लियर करें। क्योंकि एक चीज़ है जो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि मैंने ये मेडिकल प्रोफेशन नहीं चुना, कहीं ना कहीं ये मेडिकल प्रोफेशन ने मुझे चुना है, अपन सबको चुना है मेडिकल प्रोफेशन ने, आपने नहीं चुना भाई। आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस आया ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो देखना भगवान ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके दिमाग में डाला होगा, आपके अपने आप से दिमाग में नहीं आया। ये था यार, क्योंकि अब एक चीज़ मैं बताऊँ, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट के बारे में तो हम यहाँ पे नहीं बात कर सकते यार, कि एनाटॉमी कैसे पढ़ना है, फिजियोलॉजी कैसे पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, मेडिसिन को कैसे पढ़ना है, या फिर पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है, तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो पाता यार। लेकिन इतना है कि जो भी हम पढ़े ना तो उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ से कि यार गलती से अगर ये मरीज आ गया मेरे पास तो मैं इसको कैसे ट्रीट करूँगा। ये तो याद था, ये था, अब ये तो रही थोड़ी सी बातें। लेकिन अब 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, बोले एग्ज़ाम में तो हमें कैसे 150 नंबर लाने हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने यार कम से कम 20 मॉक टेस्ट दे दिए अभी तक है ना, 20 से 25 मॉक टेस्ट दे दिए मैंने, और 3 से 4 प्लेटफॉर्म पर मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। प्रेप लेटर का मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया भाई, उसके लिए मैं
तैयार नहीं हूँ, मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ प्रेपरेटर का देने के लिए, क्योंकि और बहुत लंबे लंबे सवाल होते हैं, मैं से इतना नहीं हो पाता यार। मैं मैरो के मॉक टेस्ट दिए हैं, एक्चुअली मैं मैरो प्लान से यूज़र हूँ, मैंने मैरो के खूब सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, मिनी टेस्ट मैं रोज़ सॉल्व करता हूँ मैरो के। अनअकैडमी का मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, और इसके अलावा NLC के मॉक टेस्ट दिए हैं, शायद मैंने भाटिया के से रिलेटेड भी मैंने कुछ ना कुछ टेस्ट या मिनी टेस्ट वगैरह खूब सारे दिए हैं। पॉइंट यह है कि जब मैं वो 150 सवाल पार्ट वन और पार्ट टू करके जब 150-150 सवाल सॉल्व करता हूँ ना, तो अगर उसमें से मेरे 40-50 सवाल बन जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये रहता है कि आने वाले जो 100 सवाल है उसमें अगर 1/4 का रेशो रहता है तो 25 सवाल तो सही हो ही जाते हैं। ऐसे ही करके अगर पेपर टू के अंदर हम 50 सवाल सही लगा देते हैं ना अपने, बट पता होना चाहिए कि ये तो 40 क्वेश्चंस तो करेक्ट ही हैं बिल्कुल, ये तो पता होना चाहिए भाई। तो ऐसे करके अगर हमारी हमारी खुद की मेहनत के अगर 100 नंबर हों तो देखना भगवान भी मदद करेगा बचे हुए 50 क्वेश्चन दिलाने में। डरो मत यार, तुम लोग बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ OPD देखने जाओगे तुम लोग 1 महीने बाद। ये तुम्हारी पहली OPD होगी, अपनी जान लगानी है तुम्हें उस OPD के अंदर, मुझे भी अपनी जान लगानी है उसके अंदर। और जो भी होगा यार, एग्ज़ाम का जो 1 महीने का फेज है ना, हम लोग निकाल लेंगे सारी चीज़ें एक तरफ। अब 3 बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के अलावा। सबसे पहले तो भाई ये हेल्थ है ना, ये भी मम्मी ने मेरे को दिया है, इसको भी मेरे को खाना है। मेरी ध्यान रखने वाला तो मेरी फैमिली है, आपका ध्यान रखने वाला भी देखना कोई ना कोई है ही, सबके ध्यान रखने वाले कोई ना कोई होते ही हैं। अपनी हेल्थ पे फोकस करना है ना, आधे घंटे सिर्फ थोड़ा सा हमें है ना एक्सरसाइज करनी है। और रोज़ आप 8 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, कोई 15 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ने के बाद भी ना अपने आप पे प्राउड करना है। क्यों? क्योंकि आपकी 2 घंटे करीबी पढ़ाई हो सकता है किसी की जान बचा दे आने वाले फ्यूचर में। हम लोग क्या शॉर्ट टर्म सोचते हैं चीज़ों को ना, MCI का एग्ज़ाम पास करना ना एक सुपीरियर लेवल की सोच है, बहुत ही सुपीरियर लेवल की सोच है, डीप सोच है। अगर आप जाओ ना तो ये है कि यार हमारी करीबी 1-1 घंटे की पढ़ाई से ना हो सकता है हम 100 मरीज, लाख मरीज, करोड़ों मरीज की जान बचाए। हम सब मिलकर के, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अकेले की बात करता भी नहीं हूँ, मुझे क्या मतलब है यार अकेले की बात करने से, मैं कोई वो थोड़ी हूँ। बस यही था यार, MCI का एग्ज़ाम हम लोग पास हो रहे हैं सब के सब, सब मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक है। अभी मम्मी ने मेरे को एप्पल दिए हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे, मैं इसको थोड़ा खा लवा लेता हूँ, थोड़ा सा इन्जॉय करता हूँ, पढ़ाई भी कर लूँगा साथ में। मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा आने वाले महीने में क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, लेकिन एक चीज़ आपको इस चैनल पे हमेशा मिलेगी, वो है पॉजिटिविटी। मैं चाहे पास हूँ, चाहे मैं फेल हूँ, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊँ, चाहे मैं अनएम्प्लॉयड रह जाऊँ पूरी लाइफ में, चाहे मैं MCI नहीं निकाल पाऊँ, चाहे मैं MCI में रैंक 1 भी ले आऊँ, 300 में से 300 नंबर भी ले आऊँ, चेहरे पे आपको स्माइल मिलेगी, ठीक है। और इसी स्माइल को मेरे को पूरी मेडिकल कम्युनिटी में, पूरी FMG कम्युनिटी में इसको स्प्रेड करना है मुझे।